हाय एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी इंडियन किचन। हेल्दी इंडियन किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी लेकर के आई हूँ। आज हम बनाएंगे चौलाई की खीर। चौलाई की खीर टेस्ट में बहुत अच्छी होती है और डाइजेस्ट भी बहुत जल्दी हो जाती है। बहुत हल्की खीर माना जाता है इसको। इसको आज हम बहुत ही टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाएंगे। बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। आप इसको जब आपका मन कुछ मीठा खाने का करे तो तब बनाकर खा सकते हैं, या फिर इसको आप व्रत में भी बहुत आराम से खा सकते हैं, क्योंकि चौलाई हम ज़्यादातर व्रत में यूज़ करते हैं। तो ये एक फलाहारी खीर हम बना रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं खीर बनाना। ये देखिए, एक कटोरी भर के मैंने चौलाई ली है और ये खिली हुई चौलाई है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है और बहुत ही कम प्राइस होता है इसका, ज़्यादा महंगी नहीं होती है, तो इजीली आपको मिल जाएगी। खीर के अंदर चौलाई हम उस हिसाब से डालेंगे कि जितनी गाढ़ी या फिर जितनी पतली हमें खीर बनानी है उसके हिसाब से हम इसको लेंगे। तो सबसे पहले मैंने दूध ले लिया है एक भगोने में। 1 लीटर दूध लिया है मैंने ये, और गैस को ऑन कर देंगे। इसको हाई फ्लेम पे रख के हम थोड़ा सा गर्म करेंगे पहले, उसके बाद हम इसमें चौलाई ऐड करेंगे। ये देखिए, दूध हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसको स्लो फ्लेम पे कर देंगे। ये 10 से 12 मैंने टुकड़े लिए हैं केसर के। इसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर से गर्म दूध डाल देंगे। इसको एक साइड रख देंगे क्योंकि केसर का कलर और फ्लेवर दोनों इस दूध में चला जाएगा। उसके बाद हम इसको इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसमें चौलाई ऐड कर देंगे। बाकी कोई भी ड्राई फ्रूट्स अभी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ चौलाई ऐड करेंगे। ये जिस कटोरी में मैंने चौलाई ली है, तो एक बड़ी चम्मच से मैंने लिया है। आप उसी के हिसाब से अपना मेजरमेंट देख लीजिएगा, कितनी पतली या कितनी गाढ़ी आपको बनानी है। मैं इसमें अभी 4 चम्मच डाल रही हूँ। 4 बड़ी चम्मच मैंने इसमें डाल दी है चौलाई। इसको अच्छे से पकने देते हैं। इसको पकने में थोड़ी सी देर लगती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता वैसे, लेकिन 5 से 7 मिनट में बहुत अच्छे से गलकर तैयार हो जाती है। आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो डायरेक्टली जैसे मैंने दूध में बनाई है उस तरह से बना सकते हैं, या फिर आप इसको, अगर आपके पास दूध ज़्यादा नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको पानी में बॉयल होने के लिए आप रख सकते हैं। पानी मेजरमेंट उतना रखिएगा जितने आपको खीर बनानी है, यानी कि 1 या 1.5 गिलास आप पानी उबलने के लिए रख दीजिए। उसके बाद उसमें 1/2 गिलास दूध ऐड करके भी अगर आप इस खीर को बनाएंगे तो तब भी ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसमें अच्छे से बॉईल आ रहा है, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और बस इसको थोड़ी सी देर के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, चौलाई हमारी अच्छे से गल गई है और बहुत अच्छे से दूध में मिक्स हो गई है। अब इस स्टेज में हम अपना केसर वाला दूध इसमें ऐड कर देंगे और बाकी के जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं वो सब इसमें डाल देंगे। 20 से 25 किशमिश लिए हैं मैंने, इसको इसमें डाल देंगे। 4 से 5 बादाम को बारीक काट लिया है, उसको भी इसमें डाल देंगे। 8 से 10 काजू को मैंने बारीक काट लिया है, उसको भी इसमें डाल देंगे। 12 से 15 मखाने लिए हैं और इनको पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिया था, इससे ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। इसको इस तरह से नचोड़ करके अपनी खीर में हम डाल देंगे, इससे बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं ये। पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देते हैं तो कोई कीड़ा भी होता है तो वो भी निकल जाता है। इसी तरह से नचोड़ के सारे हम खीर में डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद का कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर इसको आप बिना किसी ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं। जैसी आपको पसंद है उस तरह से बना सकते हैं आप इसको। ये देखिए, सारे ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। इनको मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे। ये देखिए, हमारी खीर को बनते हुए ऑलमोस्ट 8 से 10 मिनट हो गए हैं और ये कितनी गाढ़ी हो गई है आप देख सकते हैं। बिल्कुल तैयार है हमारी खीर। इस स्टेज में हम इसमें मीठा ऐड करेंगे। मैं मिश्री डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच। आप मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें इसमें। बस 1 मिनट से भी कम लगेगा इसको इसमें मेल्ट होने में, उसके बाद हमारी खीर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये देखिए, 1 मिनट से भी कम टाइम में हमारी मिश्री इसमें मेल्ट हो गई है और खीर हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो गैस को बंद कर देंगे। इसको हमने स्लो टू हाई फ्लेम पर बनाया है 8 से 10 मिनट के लिए, तो उसी तरीके से आप बनाइएगा। ये देखिए, कितनी अच्छी खीर बन करके हमारी तैयार हुई है। चौलाई के बहुत सारे फायदे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। अगर आपको आंखों की कोई प्रॉब्लम है तो आंखों को ठीक करने में बहुत हेल्प करती है चौलाई। साथ में इसका सबसे अच्छा फायदा ये होता है, आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और उसके साथ ये चाहते हैं कि कुछ मीठा खाया जाए लेकिन वो हेल्दी हो, तो चौलाई सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। ये वजन को कंट्रोल करने का काम भी करती है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखती है आपके, साथ में आपके बहुत अच्छी डाइजेशन पावर को बढ़ा देती है। तो अगर आप कोई हेल्दी मीठा खाना चाहते हैं तो इस तरह की फास्ट में या कभी भी जब आपका मन करे इस तरह की खीर बना के खाइए, बहुत टेस्टी होती है। इसकी गार्निशिंग मैं इसी पॉट में कर देती हूँ, थोड़ा सा बादाम काजू और ये सब डाल देंगे। ये देखिए, हमारी बहुत ही डिलीशियस खीर तैयार है। इस तरह की अच्छी और टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज के लिए प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उन्हीं से हमें आगे काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे हैप्पी। बाय बाय।